तो ये थी न्यूज हेडलाइंस, पर सोशल मीडिया पर वो कौन से वीडियोस हैं जो पूछ रहे हैं यूथ से तीखे सवाल। ये क्या हो रहा है? ओ मैम, वो अनकट का बुलेटिन आ गया ना टीवी पर, तो थोड़ी सी एंकरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तीखे सवाल, सटीक सवाल, जैसे संविधान की शपथ में मैं पूछती हूँ सटीक सवाल। आज का यूथ क्या सवाल पूछ रहा है, हंसते हंसते जाननी आपको काम की बात, तो सब्सक्राइब करो अनकट। YouTube, Facebook, Instagram पर यूथ की आवाज, यूथ के फ्लेवर्स के साथ। अनकट फॉलो नहीं कर रहे तो क्या क्या मिस कर रहे हो, ये बताएंगे आपको चयन और प्रियंका। वाह चयन, बड़ी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए। अरे मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए प्रियंका, पर तुम अपना एंकरिंग स्टाइल कब चेंज करने वाली हो? मेरा नाम है प्रियंका एंड वेलकम टू आवर अनकट बुलेटिन। मेरा नाम है चयन, और अनकट बुलेटिन के स्टार्ट में हम आपको दिखाएंगे वो वीडियोस जो अनकट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वायरल हुए। OnePlus 9 Pro और Vivo X60 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में आजकल बड़ी बातें हो रही है। OnePlus ने Hasselblad के साथ पार्टनरशिप को बड़ा हाइप किया है, एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाया है, और Vivo ने भी यूट्यूबर्स के थ्रू X60 Pro के कैमरा को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। लेकिन इन दोनों फोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये जानने के लिए देखिए OnePlus 9 Pro और Vivo X60 Pro का कैमरा टेस्ट सिर्फ अनकट पर। दिल्ली में अप्रैल के महीने में ही जून की गर्मी वाली फील आ रही है, और इस गर्मी से बचने के लिए मम्मी के कई टिप्स काम आएंगे। क्या है वो टिप्स, जानने के लिए अनकट पर जाकर देखिए ये पूरा वीडियो। सत्तू भी सत्तू, खूब सारा एकदम घटकती जा सत्तू सत्तू, इससे क्या होगा? लो ये आजकल के बच्चे भी ना, लू से बचेगी लू से। और सुन, फ्रेश फ्रूट्स खाने तेरे को, जैसे तरबूज, संतरा, खरबूजा, बेल, इससे क्या होगा, तेरी स्किन ग्लो करेगी और डिहाइड्रेशन से बच जाएगी तू निकम्मी लड़की। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के नाम पर रिश्वत का जरिया है? बीजेपी सरकार ने इसे क्यों शुरू किया था? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? और सबसे जरूरी बात, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे काम करता है, किस पार्टी की इसके जरिए सबसे ज्यादा फंडिंग हुई, जानने के लिए देखें अनकट। मिशन स्टार शेफ अतुल कोचर ने गुरुग्राम में लॉन्च किया है अपना नया रेस्टोरेंट सागा। खाने पीने के शौकीन हो तो पूरी वीडियो देखने के लिए पहुंच जाइए कहां पर, अरे भाई अनकट पर। यहां से शुरुआत करते हैं। ये ग्रीन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी हेल्दी हेल्दी सी फीलिंग देता है। I am sorry, I am a mess. But कोई बात नहीं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देते हम। ये तो कुछ वायरल वीडियोस की छोटी सी झांकी है, अनकट बुलेटिन की स्मैशिंग वीडियोस अभी बाकी है। अब बात करते हैं कोविड की। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि कोविड के केसेस दिन रात फिर से बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क घट रहे हैं, देश का मूड लेने के लिए गरिमा दिल्ली की मार्केट में निकली और देखिए वहां पर क्या हाल है। इतने लोग, कुछ लोगों ने तो मास्क लगाने की कृपा करी है लेकिन कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं लगाया, और ऐसी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कॉन्सेप्ट तो आप भूल ही जाइए। वैसे आजकल ना कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दोबारा से लॉकडाउन लगना चाहिए? लग रहा है कोरोना भी बढ़ रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है, नहीं लग रहा है। जाना है ऊपर वाला, जाना अगर लेना है तो ऊपर वाला लेके ऐसे ही जाएंगे, वो कोरोना होगा ना फोरोना होगा वो देखा जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो, कोरोना के बारे में आपकी क्या राय है? कोरोना के बारे में आप क्या बताएं, घर से निकलना मुश्किल है, बट आप तो निकल रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं इससे। आप घर से निकले तो है लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। तो मैं पहनना जरूरी समझती, कहाँ है कोरोना, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं किसान लोग, उनको तो नहीं हो रहा, हमें क्यों होगा, हमें ही होगा। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा, बढ़ने को मैडम बहुत कुछ बढ़ रहा है, पर ये कोरोना वोरोना कुछ है ही नहीं, जो पहले ना था वो अभी भी नहीं है। मैडम मैडम आप मास्क नीचे करके बैठे हैं, डर नहीं लग रहा? अरे अब पहन लिया, चीटिंग कर दी आपको, चीटिंग कर दी इन्होंने, मुझे देखा उसके बाद मास्क पहन लिया, अब भाग भी गए। लॉकडाउन लगना चाहिए दोबारा या नहीं, क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं भाई कोरोना के। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। क्यों? मानो जो भुखमरी आएगी, लोग घर में खाना क्या खाएंगे फिर? इतनी भीड़ में आई हुई है शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदा भी नहीं और फालतू में आ रखे हो। तो देख के खरीदेंगे ना, हमारे पापा की दुकान थोड़ी लगी हुई है।
कोरोना है, लेकिन जो समझदार है उनके लिए कोरोना है, जो वैसे ही है कि हाँ निश्चिंत होकर घूम रहे उनके लिए कोरोना नहीं है, वो बाद में जब हो जाएगा तब उनको कोरोना महसूस होगा। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सतर्क रहिए। बाकी जो भी राय आपकी हो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह देते रहिए। वैसे ऐसी चीजें देखकर ना मन बड़ा खट्टा सा हो जाता है। मीठा कर लो बंगाली रसगुल्ला खाकर। तुम्हें पता है कि बंगाल में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर भी थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला ही बैन कर दिया था? कौन थे वो चीफ मिनिस्टर? इसी बात पर अविनाश से ले लीजिए बिन मांगा ज्ञान। वो थे पश्चिम बंगाल के तीसरे मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन। बात करीब 55 साल पुरानी है। मुख्यमंत्री सेन ने 23 अगस्त 1965 को एक कानून पास किया, नाम था पश्चिम बंगाल छेना स्वीट्स कंट्रोल ऑर्डर। इस कानून के जरिए उन्होंने तब के कलकत्ता और अब के कोलकाता में रसोगुल्ला को बैन कर दिया था। उस वक्त पश्चिम बंगाल में दूध की किल्लत हो गई थी, हालात इतने खराब हो गए थे कि चाय बनाने वाले इम्पोर्टेड पाम ऑयल और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके चाय बना रहे थे। ये सब खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती थी और सेन का मानना था कि 1966 में रुपए की कीमत और घट जाएगी। उस वक्त बंगाल सीएम की प्राथमिकता थी कि पहले दूध बच्चों और माँ तक पहुँचे। इसके अलावा छेना पर टैक्स लगाने और दूध पर सब्सिडी देने का भी विचार तब सीएम ने किया था ताकि ज़रूरतमंदों तक दूध पहुँच पाए। लेकिन फिर उन्होंने सीधे छेने पर बैन लगा दिया, जिससे बंगाल की मशहूर मिठाइयाँ रसोगुल्ला और संदेश बनते हैं। लोगों में इस फैसले के खिलाफ गुस्सा था। 16 नवंबर 1965 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। तब गुस्से में आकर सीएम प्रफुल्ल चंद्र सेन ने 25 नवंबर 1965 को ऑल इंडिया रेडियो से आदेश जारी किया कि पश्चिम बंगाल में खाना बनाने में दूध का इस्तेमाल अपराध होगा। गांधीवादी सीएम प्रफुल्ल चंद्र सेन को अपने फैसले के राजनैतिक दुष्प्रभाव का कतई अंदाजा नहीं था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस तो पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हुई ही, खुद प्रफुल्ल चंद्र सेन आरामबाग सीट से चुनाव हार गए। देखो चैन, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आईपीएल में खेलने की ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई। हाँ, आईपीएल 2021 में अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे और इस बारे में हमने बात की क्रिकेट लेजेंड कपिल देव से। लोग कह रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे, उनको मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख रुपए में खरीद लिया और लोग कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके का नेपोटिज्म है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वो तो दो तरह के लोग हैं, कई क्रिटिसाइज करते हैं, कई उसको सोचते हैं कि चलो शायद ये इतने बड़े प्लेयर का बेटा है, इसमें टैलेंट होगा, थोड़ा मौका ज़्यादा दिया जाए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। हाँ, इतना ज़रूर है सचिन के ऊपर भी आज ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बेटे के ऊपर भी 100 गुना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप इस तरह आते हो तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका हर एक स्टेप हर लोगों के जहन में रहेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि उनके बेटे के लिए भी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, उनके लिए भी ज़्यादा है, क्योंकि आदमी अपनी परफॉर्मेंस से नहीं डरता, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को थोड़ा ज़्यादा करीब से देखता है। मतलब ये क्या आपको लगता है कि इनजस्टिस है एक 20 साल के लड़के के लिए जिसने अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है? शायद एक्सपेक्टेशन हम सचिन के साथ कंपेयर करते हैं, वो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, उस एक लड़के को मौका, हाँ उसके कारण शायद उसको मौका भी ज्यादा मिला है, वो मैं मान सकता हूँ। लाइमलाइट में तो रहे, मीडिया ने भी लगातार, भाई है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनके बेटे हैं, तो इसलिए शायद उनके बेटे को इतना प्रेशर नहीं होगा जितना सचिन को होगा, और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत प्रेशर, और वही खुशी भी वही आती है कि जहाँ प्रेशर है कि यार हाँ मेरा बेटा अगर अच्छा करेगा तो और प्राइड लेंगे। क्रिकेट से जुड़े जितने भी सवाल है हम सब यहाँ पर लेंगे, आप बस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। चैनल का नाम कपिल सर बता दीजिए। अनकट, याद रखिए अनकट, क्योंकि इनको मैं कट कुट नहीं करने देता, बीच में सीधा सवाल करो और सीधे जवाब मिलेंगे। ब्रेक खत्म हो गया है और अब टाइम हो गया, मतलब यहां टाइम नहीं भाई, अनकट बुलेटिन में टाइम हो गया है इस वीक सेल पर आए सबसे बड़े फोन के रिव्यू का। OnePlus ने अपना फ्लैगशिप OnePlus 9 Pro रिलीज कर दिया है। अब ये फोन प्लस है या माइनस है ये बताएंगे अयाज।
आज टेक इट इजी में मैं OnePlus 9 Pro का रिव्यू करूंगा। OnePlus का पहला प्योर फ्लैगशिप फोन है और साथ ही अब तक का सबसे एक्सपेंसिव डिवाइस भी है। सबसे पहले बात इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो अगर आप फ्रंट पैनल को देखेंगे तो यहाँ पर कोई मेजर डिजाइन चेंज नहीं है। OnePlus 8T के जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर OnePlus ने कर्व स्क्रीन दी है जो अच्छी लगती है। बैक पैनल पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है एंड यू आर नॉट गेटिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.7 इंच की फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले है और अगर आपने OnePlus के फोन्स यूज किए हैं तो यू नो कि दे आर गुड डिस्प्लेस। काफी ब्राइट स्क्रीन रहती है, 120 हर्ट्ज पैनल यहाँ पर है, सो इंटरेक्शन भी काफी स्मूथ है। ये LTPO पैनल है, LTPO मींस लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। ये पैनल जनरली पावर एफिशिएंट होते हैं और 20-25% तक कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, सो इट्स अ गुड एडिशन। अब बात करते हैं कैमरे की। सो लॉन्च से पहले बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी हैसलबर्ग कैमरास को लेकर। OnePlus की तरफ से जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन था और OnePlus 9 सीरीज में OnePlus ने अपना कैमरा इंप्रूव कर लिया है। हैसलबर्ग की कलर साइंस और OnePlus की कस्टमाइजेशन की वजह से यहां पर आपको नेचुरल कलर्स मिलते हैं। डे लाइट में लिए गए शॉट्स में आपको फुल डिटेल्स मिलेंगी और कलर टोन भी शिफ्ट नहीं होती जैसे पहले OnePlus फोन्स में होती थी। OnePlus 9 Pro कैमरा का सबसे इंप्रेसिव पार्ट है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा। एक्चुअली इट्स द बेस्ट इन एनी स्मार्टफोन। इससे आपको अच्छे वाइड एंगल शॉट्स मिलते हैं विद एक्यूरेट वाइट बैलेंस और जो अल्ट्रा वाइड फोटोज में डिस्टॉर्शन अक्सर दिखता है वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। और मैक्रो शॉट्स के लिए भी OnePlus 9 Pro अपना अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करता है लाइक एस20 अल्ट्रा और यहाँ पर भी शानदार फोटोज आते हैं विद प्रॉपर एज डिटेक्शन। हाँ, सेल्फी कैमरा में अभी OnePlus को और काम करना है। सेल्फीज वैसे तो अच्छे आते हैं, कलर्स नेचुरल हैं, लेकिन ये पुराना सेंसर है जो OnePlus काफी वक्त से यूज कर रहा है और इट नीड्स इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एकदम स्नैपी एक्सपीरियंस मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 है तो कोई लैग और स्टटर मैंने यहाँ पर फील नहीं किया इवन ड्यूरिंग हैवी यूसेज। OnePlus के फोन ट्रेडिशनली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही है। 4500 mAh की बैटरी है विद 65W फास्ट चार्ज, सो नो कंप्लेंट्स है। लेकिन OnePlus 9 सीरीज में सबसे बड़ा इशू है प्राइसिंग का। 9 Pro 70,000 रुपये तक जाता है और इसी वजह से OnePlus फैंस डिसअपॉइंटेड हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9 Pro 55,000-57,000 रुपये तक आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और OnePlus अब यूजर्स से फ्लैगशिप प्राइसेस चार्ज कर रहा है। क्या इस प्राइस पर OnePlus 9 Pro आपको लेना चाहिए? फुल रिव्यू के लिए विजिट अस ऑन अनकट्स YouTube चैनल। अब ये आप डिसाइड करो कि ये फोन खराब है या लाजवाब है, पर फूड चैलेंज में इस बार हम आपको दिखाने वाले कबाब है। एक मिनट में 1 किलो कबाब क्या खा सकते हो? पहले ये देख लें कि तुम खा सकती हो या नहीं। आज के हमारे इस चैलेंज में हमें 1 मिनट में 12 कबाब को खत्म करना है, पूरे 1 किलो कबाब। कितने खा लोगे? पता नहीं कितने खा लूंगा, लेकिन मैं बहुत खा लूंगा। दुआ ये है कि मैं सारे खा जाऊं, तुमको भी ना खाने दूं। एक कबाब है ना, ये 350 ग्राम है। एक कबाब 350 ग्राम? डम्बल थोड़ी कबाब है। करते हैं। हाँ। Very dry. उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन ठीक है खाए। टाइम देख, टाइम भाग रहा है। जल्दी अनकट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ये सभी वीडियोस और बहुत कुछ आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। तो YouTube, Facebook, Instagram पर हमें फॉलो करिए, @abpuncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। बाकी हर संडे रात 10:30 बजे एबीपी न्यूज पर अनकट के वायरल वीडियोस लेकर आएंगे हम खटाखट। और पूरी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए अनकट।